बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएसटी क्लास। दिस इज़ योर एसएसटी बुक। स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, माय हाउस। डू यू नो आवर हाउस हैज़ अ डिफरेंट पार्ट्स लाइक डाइनिंग रूम, किचन, शॉवर, लिविंग रूम एंड एक्स्ट्रा। And our house make different things like brick, cement, windows made of wood, grills made of iron and etc. And we use different parts of our house for different work like kitchen for cooking, dining room for dinner, or living room for rest. Now, today we will complete blanks of my house. स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा घर जो होता है उसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट जो हैं हम उन पार्ट्स को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारा रूम होते हैं, बेडरूम वगैरह, उसको हम स्लीपिंग के लिए यूज़ करते हैं, बाथरूम होता है, वॉश बात करने के लिए यूज़ करते हैं, लिविंग रूम होता है जिसमें हम रेस्ट करते हैं, टीवीज़ वगैरह देखते हैं, डाइनिंग रूम जो होता है हमारा, यहाँ पे हम लंच वगैरह, डिनर वगैरह, ब्रेकफास्ट करते हैं, और किचन जो होता है वो कुकिंग के लिए होता है। तो आज हम जो है अपने इस ब्लैंक्स कंप्लीट करेंगे अपने माय हाउस की। तो चलिए देखते हैं हमारे हाउस में कौन कौन से पार्ट जो हैं वो किस चीज़ के लिए होते हैं और हमारा हाउस जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। So let's read. My house is built with dash dash and iron. So my house is built with brick, cement and iron. So we write here brick. Bricks, cement, and iron. Second is the doors are made of wood. Door made from wood. The windows are made of wood. Windows also made for wood or iron. The grills are made of iron. The color of my house is, आपके घर का जो भी कलर होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, पिंक। सो आई राइट हियर पिंक। आई हैव माई ओन डैश रूम। आई हैव माई ओन हाउ मेनी रूम्स? थ्री, फोर, थ्री रूम्स। Our family relaxes in the dash room, living room. We eat dinner in our dash room, dining room. So we write here dining room. My mother cook in the dash. Where your mother cook? Kitchen. So I write here kitchen. I shower in the dash room. Where you take shower? Bath. So I write here bath. Bathroom. Student, is your homework. You will complete book page number 21. Allah Hafiz.